हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने अपने हेयर को डन करा है मैं अभी कर रही हूँ मिडिल पार्टिसन अपने हेयर में और अभी कॉम की हेल्प से मैंने पहले अपनी बीच की मांग निकाली और फिर अपने हेयर को डन कर लिया है तो मैं बना रही हूँ डो से जूड़ा अपने बालों में और उसके बाद आप देखो मेरा हेयर स्टाइल बन रेडी है मैंने बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइलिंग करी हुई है जो कि साड़ी में काफ़ी अच्छी लगती है तो अभी मैंने कोई मशीन भी यूज़ नहीं करी है और जो ये वाला बुके मुझे मिला था मामी की तरफ से तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका थोड़ा यूज़ कर लिया जाए मैंने एक नाइफ़ की हेल्प से इसके जो भी रोजेस थे उन्हें निकाला और फिर ऐसे यू पिन की हेल्प से उन्हें अपने पूरे जूड़े में टक कर लिया तो इसमें बहुत टाइप के फ्लावर थे आप देख सकते हो मैंने सबसे टू तो टाइप्स के फ्लावर का यूज़ किया हुआ है अपने बन में तो काफ़ी सुंदर ये लग रहा है और आप लोग भी ज़रूर बताना कि कैसा आपको ये वाला जूड़ा लग रहा है मेरा तो फिर मैंने इसको कम्प्लीट और पूरा बनने के बाद तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा लगेगा बट ये काफ़ी सुंदर था और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया अपना मेकअप तो सबसे पहले मैंने हटाई अपनी बिंदी और अब टाइम है अपने फेस को क्लीन करने का तो सबसे पहले मैंने वेट वाइप थी पी की इससे अपने पूरे फेस को क्लीन करा था तो इसको आपने आ, ऐसे करके फाड़ना है और अपने हाथ में अच्छे से फिंगर्स में इसे रैप करके पूरे फेस को अच्छे से क्लीन करना है तो हमारे फेस में ऑलरेडी मेकअप होता है या फिर कितने बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सारी धूल मिट्टी चिपक जाती है तो उसके ऊपर आपको कभी भी मेकअप नहीं करना है पहले आपने अपने फेस को क्लीन करना है तो अभी इसके बाद मैं लगा रही हूँ सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा ये मॉइस्चराइज़र है अभी तक जो भी मैंने यूज़ किए हैं सबसे बेस्ट मुझे यही लगा है तो फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत जरूरी है मेकअप करने से पहले इसीलिए पहले मैंने मॉइस्चराइज किया और अब बारी है प्राइमर की तो फॉरवर फिफ्टी टू का ये वाला पोर प्राइमर है अगर आपके फेस में पोर्स हैं तो उसमें आपको पोर प्राइमर लगाना जरूरी है वरना जो आपका मेकअप है वो आपके पोर्स में जा सकता है तो अभी मेरे जो चीक्स के अराउंड थोड़ा थोड़ा पोर्स थे इसीलिए मैंने अभी ये वाला पोर प्राइमर यूज़ किया है अपने चीक्स में और अपने फॉरहेड में जहाँ पर भी मतलब आपको ये वाला यूज़ करने का दिक्कत लगे तो आप वहाँ पर कर सकते हो आई जहां पे भी आपको जरूरत लगे तो फिर उसके बाद मैंने अभी करी है अपनी आईब्रोज डन तो ये मैक का काजल है इसके ऊपर ये वाला आई साइडो भी आता है काजल भी आता है तो आप इसे अपने आईब्रो में भी लगा सकते हो और एज अ कांजल भी इसे यूज़ कर सकते हो तो मैंने इसी की हेल्प से अपने पूरी आईब्रोज़ को डन किया था और उसके बाद फिर मैंने कंसीलर की हेल्प से अपने आईब्रो को आ, एक सेप दे, दे दिया था और उसे अच्छे से ब्लैंड कर लिया था तो ब्लैंडिंग आपने प्रॉपर करनी है कहीं पर भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए उसके बाद फिर मैंने लिया था एन वाई बे का ये वाला सेटिंग स्प्रे तो ये बहुत सारे लोग लास्ट में भी करते हैं बट आप स्टार्टिंग में भी करो लास्ट में भी करो तो आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा तो मैंने अपने पूरे फेस में इसे स्प्रे कर दिया था ड्राई होने के बाद फिर मैंने लिए हैं दो फाउंडेशन जिसमें पहले था फॉर एवर और दूसरा है एलेगर्ल तो मैंने दोनों की क्वान्टिटी अपने, अपने अकॉर्डिंग ली है मतलब मेरा जो भी फेस का कलर है उससे एक टोन अब हम लोग लगाएंगे तो मैंने दोनों फाउंडेशन को अच्छे से मिक्स किया अपनी फिंगर की हेल्प से और फिर एक ब्लेंडर से अपने पूरे फेस में इसे डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया तो ब्लेंडिंग आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए ब्लेंडिंग में कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए अपना टाइम लीजिए और प्रॉपर ब्लेंडिंग कीजिए जहाँ पर भी आपको फेस में ज़रूरत है जहाँ पर आपको लगे कि कम हो गया तो आप दोबारा से लगा सकते हो तो अभी बारी है कंसीलर की मैंने एल्फ का कंसीलर यूज़ किया है ये टाट का आप कॉपी कह सकते हो या फिर टाट को ही टक्कर देता है ये वाला कंसीलर काफ़ी अच्छा है बट इसको आपको बहुत केयरफुली लगाना है अगर आपने इसे ज़्यादा देर तक छोड़ा ना तो ये आपके फेस में जम सकता है है, मतलब ब्लेंड होने में काफ़ी दिक्कत करेगा इसीलिए मैंने इसे फटाफट से लगाया और अपने जो वेट ब्लेंडर है उसकी हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया था तो इसको आपको हाईलाइटेड एरिया है जो आपके आपके फेस के के लगाना है लाइक अराउंड पे अपनी अंडर आई पे आपकी नोज में और फॉरहेड में तो अभी बारी है ब्लस की तो मैं लगा रही हूँ के ब्यूटी का ये वाला ब्लसर लिक्विड ब्लस काफी अच्छा होता है बहुत देर तक आपकी स्किन में रहता है और काफी नेचुरल भी लगता है तो इसीलिए मैंने अपने सेट का ये वाला के ब्यूटी का ब्लसर ले लिया है और उसे पहले फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं अभी आपको काफी ज्यादा लग रहा है लेकिन ये अच्छे से आपकी स्किन में एब्जॉर्व हो जाता है और काफी सुंदर लगता है तो अभी मैं ब्लेंडर की हेल्प से भी इसे ब्लेंड कर रही हूँ तो अभी बारी है अपने फेस को लॉक करने की तो मैंने पीएसी का ये वाला लूज पाउडर लिया था और इसे अच्छे से अपने आई के अराउंड और अपने चिक्स में जहां जहाँ पे भी जरूरत थी तो वहां पे मैंने इसे लगाया और फिर ये फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसे रिमूव कर दिया था थोड़ा देर के बाद तो अभी मैं करूँगी थोड़ा सा पाउडर ब्लस तो ये रेवोल्यूशन का ये वाला मैंने पाउडर ब्लस यूज़ किया आपकी स्किन का कलर जितना फेयर होगा उतना ही फेयर आपने ब्लस भी यूज़ करना है और जितनी डार्क होगा तो उतना ही डार्क आप ब्लस यूज़ करोगे तो इतना सिंपल है ज़्यादा कुछ नहीं है कितने लोगों को पता नहीं चलता इसीलिए उनका ब्लस बहुत ज़्यादा डार्क और बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाता है तो अभी मैं हल्का सा कॉन्ट्रोल कर रही हूँ अपने नोज़ को क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरी नोज़ काफ़ी चौड़ी है तो नोज़ कॉन्ट्रोल कर रही हूँ और ये चेकस के अराउंड और जॉ लाइन भी अपने थोड़ी सी कॉन्ट्रोल कर रही हूँ इसमें जो आपका फेस है काफ़ी सेप में लगता है क्योंकि फाउंडेशन करने के बाद फेस एकदम फ्लैट लगता है तो अभी मैंने फॉर एवर का ये वाला हाईलाइटर लिया है काफ़ी अच्छा है ये फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया और वाओ मतलब इतना सुंदर ये लग रहा था इतने अच्छे से मतलब नेचुरल जो ग्लो होता है आपके फेस में वो लेके आ रहा था आप देखो मैंने इसको पहली बार में ही लगाया और मैं तो फ़ैन हो गई तो आप भी ट्राई कर सकते हो तो नोज़ के अराउंड लगाना है अपने चीक्स के अराउंड लगाना है और थोड़ा सा आप चाहो तो फॉरहेड में लगा सकते हो और अपनी ब्रो बोन पर भी आप लगाओगे तो काफ़ी अच्छा ही आपको इफ़ेक्ट देगा तो अभी मैं करूँगी आई मेकअप जिसके लिए मैंने ये वाला आई सेटो पैलेट लिया हुआ है तो इसको मैंने सबसे पहले एक लाइटर सेड लिया था और अपने आई मैं अच्छे से इसे ब्लेंड करा था तो ब्लेंडिंग आई मेकअप में बहुत ज़्यादा जरूरी है और आई मेकअप करने के लिए आपके पास एक फ्लफी ब्रश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पहले मैंने इसे एक लाइटर सेट से आई सैडो करा और फिर मैंने ये वाला जो फॉर फिफ्टी टू का ही है ये भी काजल तो इससे मैंने काजल लगाया था और फिर मैंने ब्लैक कलर का आई सैडो ले इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया था दूसरे ब्रश की हेल्प से ये तो ये वाला जो ब्रश है ये फ्लैट है फिर मैंने दोबारा से फ्लफी ब्रश लिया और ब्राउन सेड लेके इसे भी अच्छे से स्मच कर लिया था इसे स्मच करने के बाद अभी बारी है आ, मस्कारा लगाने की तो ये भी फॉर एवर का ही मस्कारा है काफ़ी अच्छा है आपकी जो लेसेज हैं उन्हें बहुत अच्छी वॉल्यूम दे देता है तो आप कह सकते हो अभी तक का बेस्ट मस्कारा मुझे ये लगा और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ भी कर रही हूँ तो अभी मैं लगा रही हूँ फॉल्स लेसेस और आपको पता है ये वाली लेसेस जो मेरी शादी में लगाई थी ना वही वाली है तो ये मुझे मिल गई थी तो मैंने कहा कि इसको दोबारा से रीयूज़ कर लेते हैं तो इसी मैंने इसे लगा लिया था और अभी थोड़ा सा मैंने ग्लिटरी आई मेकअप करा हुआ है तो मैंने इसी वाले पैलेट में से ये वाला सिमरी सेड उठाया और इसे अच्छे से लगा के पहले फिंगर से लगाया देन इसे ब्लेंड कर लिया अभी मैं अंडर आई में भी मेकअप कर रही हूँ एक ब्राउन सेड लिया उससे हल्का सा स्मच करा और अभी मैं लगा रही हूँ वाइट काजल तो वाइट काजल बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं बट ऐसा नहीं है आपकी आँखें इससे काफ़ी बड़ी लगती हैं और सुंदर भी लगती हैं तो ये वाला इनसाइड की मैंने लिपस्टिक लगाई थी रेड कलर की काफ़ी सुंदर है मतलब जो इनसाइड की लिपस्टिक हैं काफ़ी कम रेट की हैं और काफ़ी अच्छी है मतलब कलर भी इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे तो मेरा पूरा मेकअप हो चुका है और मैंने मांग भर ली है बिंदी भी लगा ली है मेकअप हो गया है आप लोग जरूर बताना कि आपको कैसा लगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मुझे आगे भी फॉलो करना बाय गाय सी नेक्स्ट वीडियो